Subscribe to Khabar Update and press the bell icon for never miss any news. नमस्कार, मैं सुमित शर्मा और आप देख रहे हैं खबर अपडेट। देश का सबसे बड़ा न्यूज चैनल आज तक, जिसके पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने सुशांत सिंह राजपूत केस की मुख्य आरोपी एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया। सीबीआई की पूछताछ से 24 घंटे पहले इस इंटरव्यू में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने जनता के सामने अपनी बेगुनाही की तमाम बातें सामने रखी। वहीं न्यूज चैनल आज तक ने टीआरपी हासिल करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, लेकिन इस इंटरव्यू को लेकर देश की जनता का क्या रुख रहा, खबर अपडेट की ये रिपोर्ट इसी की तस्दीक करती है। ये रिपोर्ट आपको बताएगी कि सोशल मीडिया पर लोगों का क्या रिएक्शन रहा। दरअसल एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद पूरे देश में गुस्से की लहर थी। हर कोई यही चाहता था कि सुशांत को न्याय मिले। ऐसे में जब आज तक ने इस केस की मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू लिया तो वो गुस्सा जाहिर होना लाजमी था। ऐसे में लोगों ने रिया के इस इंटरव्यू पर धड़ाधड़ डिसलाइक करने शुरू कर दिए। फेसबुक और यूट्यूब के आंकड़ों की बात करें तो रिया चक्रवर्ती के इस इंटरव्यू को 24 घंटों में 5 लाख से ज्यादा लोग नापसंद यानी डिसलाइक कर चुके हैं। ये आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है, यानी हर घंटे इस इंटरव्यू को 21,000 लोग नापसंद कर रहे हैं। ये स्थिति तो तब है जब इस इंटरव्यू के कई वीडियोस पर लाइक डिसलाइक और कमेंट्स को बंद कर दिया गया है, यानी इसे नापसंद करने वालों की संख्या इससे कहीं ज्यादा भी हो सकती है। इसके अलावा लोगों के कमेंट पढ़कर तो आप सिर ही पीट लेंगे। हमर सरगुजा नाम के एक यूजर ने कमेंट किया है कि चैनल का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैंने आज तक इससे घटिया और बिकाऊ चैनल नहीं देखा। अजय मोदी नाम के एक यूजर ने लिखा है कि मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को सड़क 2 के ट्रेलर से भी ज्यादा डिसलाइक करो। कुमार विशाल नाम के यूजर ने पत्रकार राजदीप सरदेसाई पर सीधे आरोप मढ़ते हुए कहा, अरे भाई राजदीप कितने करोड़ में बिके हैं इस इंटरव्यू लेने के लिए। जानू कुमार नाम के एक और यूजर लिखते हैं कि रिया देश को पता चल चुकी है तुम्हारी सच्चाई, सफाई देने की जरूरत नहीं है। आरुषि नाम की यूजर ने इस इंटरव्यू को स्क्रिप्टेड करार दिया। उन्होंने कहा कि इस इंटरव्यू में सब स्क्रिप्टेड है, रिया को इतनी सारी तारीखें इतनी अच्छी तरह से कैसे याद हो सकती है भला। वहीं विजय कुमार नाम के यूजर ने तो रिया की एक्टिंग पर ही सवाल उठाते हुए कह दिया, अरे रिया यहाँ तो कम से कम ठीक ठाक एक्टिंग कर लेती। तो देखा आपने, रिया के इस इंटरव्यू को लेकर पब्लिक का रुख जरा भी ठीक नजर नहीं आ रहा। इस इंटरव्यू को धड़ाधड़ मिल रहे ये डिसलाइक यही बात साफ तौर पर जाहिर करते हैं। टीम खबर अपडेट।